वी हैव टू नो हिज प्लान्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हमें उसके प्लान को जानना है और उसी के हिसाब से काम करना है और उसी के हिसाब से एक्शन लेना है। गाइज यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा अकॉर्डिंगली। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ड। सबसे पहले वर्ड मैंने लिया है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब के अनुसार, के मुताबिक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस कार इज मेड विद द बेस्ट मटेरियल्स एंड इज प्राइस्ड अकॉर्डिंगली। दिस कार इज मेड विद द बेस्ट मटेरियल्स एंड इज प्राइस्ड अकॉर्डिंगली। इस कार को बहुत अच्छी मटेरियल से बनाया जाता है और इसकी कीमत भी उसी के मुताबिक लगाई जाती है। गाइस तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ही इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड इज पेड अकॉर्डिंगली। ही इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड इज पेड अकॉर्डिंगली। उसे मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा माना जाता है और उसी के मुताबिक उसको पे किया जाता है। गाइस दूसरा लिंकिंग वर्ड आज मैंने लिया है डिस्पाइट। डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स ही इज आउट ऑफ वर्क। यहाँ पे डिस्पाइट का मतलब क्या हो गया, के बावजूद। अक्सर डिस्पाइट के बाद आई एन जी वर्ड में आएगा या फिर नॉन फ्रेज। जैसे आपने कहा कि डिस्पाइट अवर ग्रेट फ्रेंडशिप रोशन एंड आई समटाइम्स कम्प्लीटली डिसएग्री। डिस्पाइट अवर ग्रेट फ्रेंडशिप रोशन एंड आई समटाइम्स कम्प्लीटली डिसएग्री। मतलब ये हुआ कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होने के बावजूद रोशन और मैं कभी कभी बिल्कुल डिसएग्री होते हैं। डिसएग्री मतलब बिल्कुल किसी बात पे इत्तफाक नहीं रखते हैं। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग बेस्ट फ्रेंड रोशन एंड आई समटाइम्स कंप्लीटली डिसएग्री। गाइस दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, डिस्पाइट हैविंग डिग्रीज ही इज अनेबल टू गेट अ गुड जॉब। डिग्री होते हुए भी, डिग्री होने के बावजूद भी वह अच्छी जॉब नहीं पा रहा है, वह अच्छी जॉब नहीं ले सक रहा है। तो डिस्पाइट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, के बावजूद। डिस्पाइट बीइंग ग्रेजुएट दे आर अनेबल टू इम्प्रेस एचआर। ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो एचआर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। तो गाइस डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है, ये भी एक लिंकिंग वर्ड है। जैसे आपने कहा कि डिस्पाइट लर्निंग अ लॉट ऑफ वोकैबुलरीज आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। बहुत सारी वोकैबुलरी याद करने के बावजूद मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। तो गाइस ऑफ कोर्स आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वेयर एज व्हाइल। वेयर एज व्हाइल का मतलब क्या होता है गाइस, जबकि हनी इज सपोज टू बी गुड फॉर यू वेयर एज शुगर इज कंसिडर्ड बैड। शहद जो आपके लिए अच्छा माना जाता है लेकिन शुगर जो चीनी है वो आपके लिए सही नहीं समझा जाता, मतलब ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए। ही डजंट सपोर्ट मी वेयर एज ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा सपोर्ट नहीं करता जबकि वह मेरा दोस्त है। जैसे कहते ना, वी हार्डली सॉ आवर कजन वेयर एज वी लिव वेरी नियर ईच अदर। मतलब मुश्किल से हम अपने कजन से मिलते थे जबकि हम बहुत नजदीक रहते थे। तो गाइस वेयर एज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जबकि, और वाइल का मतलब भी जबकि हो गया। तो आज हम लोगों ने सीखा डिस्पाइट, वेयर एज, वाइल और अकॉर्डिंगली। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स आने वाले जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा देंगे।